अस्सलाम वालेकुम। अभी आज हमने ये डिस्कस करना है कि मोशन किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स गेट टू द टॉपिक। ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एंड इफ इट इज़ फ्री टू मूव एंड एक्सलरेशन, एक्सलरेट करते हैं अगर ये फ्री टू मूव हो। सो इफ द ओनली फोर्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स, मिशन एफ टोटल फोर्स, मिशन मीन्स के जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वो मस्ट बी इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सलरेशन, और विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो आप ये सात फिगर में देख सकते हैं कि जी एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो है उसे रिप्रेजेंट है ई जो है आपके पास। उसमें एक इस इन प्लेट्स के इन बिटवीन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आता है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो टुवर्ड्स किस साइड पे होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की साइड पे उसकी एक्सेलरेशन होती है या डायरेक्शन होती है। इज कॉन्स्टेंट, अगर ई कॉन्स्टेंट है मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो एक्सलरेशन भी कॉन्स्टेंट होगी। सो एग्जाम्पल ले करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मेक्स ए राइट एंगल विद द इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल वेलोसिटी। एक्सप्रेस द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो उसे लेट से कि वो कह रहे हैं कि जी एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। हमारे पास जो है वो इक्वेशंस क्या होती हैं, जो हमारे पास लॉ से आती हैं। सो वी वेलोसिटी इज वेलोसिटी की जो इक्वेशंस है हमारे पास, वो वी इज इक्वल टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स डेल्टा टी। इसमें वी एफ एक्स आपके पास जो एक्स डायरेक्शन में फाइनल एक्सलरेशन, सॉरी फाइनल वेलोसिटी है वो है, वी आई एक्स आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ए एक्स आपके पास एक्सलरेशन है, और डेल्टा टी आपके पास चेंज इन टाइम है। सो एक्स एफ आपके पास डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, फाइनल डिस्टेंस एक्स आई आपके पास इनिशियल डिस्टेंस है, और वी आई एक्स आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, और 1/2 ए एक्स आपके डेल्टा टी स्क्वेयर आपके पास एक्सलरेशन इन टू चेंज इन टाइम स्क्वेयर। ये आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, एक वेलोसिटी की एक डिस्टेंस की। लेट्स से कि ये अब हम पोजिशन और वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है और उसकी वेलोसिटी है वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपवर्ड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास गिवन है। अब ये फोर्स जो है ना, जो ई की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो डाउनवर्ड्स होगी। जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ई की वजह से। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई विच इज इक्वल टू माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो चार्ज है उस पर माइनस ई है, इंटू ई विच इज इक्वल टू माइनस ई जे हैट। अब जे हैट क्यों है, क्योंकि देखें ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। सो वाई एक्सिस जो है वो आपकी उस वो कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है, और कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है फोर्स का। विच इज इक्वल टू, हम उसको कह सकते हैं जी एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल है। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशंस को। जब आप इक्वेशंस को हम इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाती है, ए इज इक्वल टू माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एम जे हैट। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, और ए वाई जो है वो हमारे पास है माइनस ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। जब हम ए वाई लिख रहे हैं, तो हमें जे हैट लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास दो चीजें आ गई। अब हम हमारे पास इक्वेशन जो है डिस्टेंस की है, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वी आई एक्स टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। इसमें एक्स आई हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस जीरो है, और इनिशियल एक्सेलरेशन भी हमारे पास जीरो है, या ए एक्स जो है हमारे पास जीरो है
एक्स डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन जाता है वो वी आई एक्स टी है। तो वी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी नॉट है, सो एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी। सो अब हम करते हैं वाई डायरेक्शन में। अब वाई में डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आई वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर। सो इनिशियल डिस्टेंस तो हमारे पास जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वन बाई टू ए वाई टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू पुट कर दी इसमें तो हमारे पास वाई डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, ये पोजीशन आ गई, इसको हम पोजीशन भी कह सकते हैं। सो एक्स में हमारे पास क्या है, वी नॉट टी पोजीशन, और वाई में हमारे पास माइनस वन बाई टू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम टी स्क्वायर। हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी, ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है। सो इसमें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, सो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में। अब वाई में क्या कहते हैं, वी वाई इज इक्वल टू वी आई वाई इज इक्वल टू ए वाई टी, इनिशियल हमारे पास जीरो है, सो वी वाई इज इक्वल टू ए वाई टी विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई ओवर एम इंटू टी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं वेलोसिटी के लिए। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कोई चार्ज आ जाता है और उस पर जो जो उसकी पोजीशन है और वेलोसिटी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस पूरे रीजन के अंदर। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाथ। अब हम जो पाथ है बेसिकली जो जिस पाथ पर ये मूव करेगा, ठीक है, इस फोर्स की वजह से जब इस पर फोर्स रहेगी ये अपना पाथ चेंज करेगा, तो वो जिस पाथ पे मूव करेगा वो शेप कैसी होगी। सो टी टाइम हमारे पास आ जाता है एक्स ओवर वी नॉट, सो वाई इज इक्वल टू वाई के अंदर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे इन इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो अब जब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये पैराबोला शेप में डाउनवर्ड्स मूव करेगा। जब यहाँ से इस पर एफ ई लगना शुरू होगी स्टार्ट पॉइंट से, तो एट द एंड फिर ये मूव होता 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 नीचे चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से।